गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एज यू नो डेट वी ऑलरेडी स्टार्टेड द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर वन सो लेट अस कंटिन्यू विद इट क्वेश्चन ई अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड नेम द दलर्स इसका मीनिंग क्या है कि ये अनस्क्रम्बल द वर्ड्स एंड नेम द कलर्स ये जो है आपको जम लेटर्स हैं ये कलर्स नेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग जो है उनके जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे दिए हुए हैं वो जम्बल दिए हुए हैं बेटा आपको आपको कल कलर की करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करना है और उसको यहाँ पे डैश में लिखना है सो लेटर स्टार्ट विद द फर्स्ट वन वॉट इज रिटर्न लेटर्स आर देर ना बी आर एन डब्ल्यू ओ तो इसको हमें अरेंज करना है हमें सोचना है कि कौन से कलर की स्पेलिंग होगी देन वी विल आफ्टर थिंकिंग दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन हमको प्रॉपरली अरेंज करके और करेक्ट स्पेलिंग ब्राउन की इधर लिख देनी है राइट कर देनी है ओके सेकेंड वन इज ई आर डी Three letters are given. So, can you guess the color name? It is R E D red. Third one is T E W H I. These letters are given. So, again, we have to arrange and make the meaningful word. That is, we have to write the correct color name. That is white. W. H I T E. W H I T E. Let us move to the next fourth bit. L U E B. Again, four letters are given. So arrange it properly so that you will get the colors name. That is B L U E Blue. B L U E Blue. Blue will come. Next is R. Y, E, and G. Four letters are given. So we can arrange to make the color name. That is G, R, E, Y. And we will write here. G, R, E, Y, gray. Next sixth one is four letters again. I, P, and K. It is very easy. Pink. P, I, N, K. Arrange it and write it here. पिंक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन एफ राइट द नंबर नेम्स एंड कलर द करेक्ट नंबर ऑफ थिंग्स इसमें क्या करना है आपको नंबर नेम यहाँ पे आपको लिखनी है ये आपको फिगर्स में दिए हुए नंबर नंबर लिखे हुए हैं ना फोर सिक्स थ्री सेवन वॉट यू हैव टू डू जितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है फोर लिखे हुए हैं तो आपको फोर बटरफ्लाईज को कलर करना है और उतने उसका जो है नंबर नेम फिर उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है सो फर्स्ट वन इज फोर ना सो वी विल कलर दिस वन टू थ्री एंड फोर फोर बटरफ्लाईज वी विल कलर एंड वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ फोर हियर एफ ओ यू आर फोर Let, let us move to the second bit. What is written in the circle? 6. And these are the pencils. So we have to color 6 pencils first. We will color this 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 we have to write. S, I, X, 6. Third bit is what is given in the circle? 3 is given. So, we have to first color three carrots. One, two, and three. We will color these three carrots and then we will write the spelling here. What is the spelling? T H R E E three. Okay. Let us move to the next fourth bit. What is written in the circle? Seven. Seven lika na. And these are leaves. लीव्स है ये लीव्स क्या होती पत्तियां दी हुई हैं आपको सो वी हैव टू काउंट सेवन फर्स्ट एंड वी हैव टू कलर देम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फर्स्ट वी हैव टू कलर दीज़ देन वी हैव टू राइट द स्पेलिंग हेयर इन द बॉक्स एस ई वी ई एन सेवन

मिस्टर ब्लू मिस्टर ब्लू वी विल मैच विद ई Was स्टक मिस्टर ब्लू जो है वो वहां पर ही अटक गए थे ओके मिस ब्राउन मिस ब्राउन जो Miss ब्राउन थी उसने क्या डाला हुआ था एक मुकुट पहना हुआ था क्या पहना हुआ था एक मुकुट तो हम थर्ड को जो है बी से मैच करेंगे फोर्थ वन मिस्टर वाइट मिस्टर वाइट वी विल मैच विद फोर्थ को हम मैच करेंगे ए के साथ वेंट टू गेट सम वॉटर मिस्टर वाइट जो थे वो वो थोड़ा पानी लेने के लिए गए थे नेक्स्ट फिफ्थ इज मिस्टर ब्लैक मिस्टर ब्लैक दिस इज फिफ्थ को वी विल मैच विद सी ंग स्लिपी जो मिस्टर ब्लैक थे वो कैसा फील कर रहे थे कैसा महसूस कर रहे थे स्लिपी स्लिपी मीन्स उन्हें नींद आ रही थी